भरतपुर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। यह जिला अपने सरसों की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ काफी भारी मात्रा में सरसों बोई जाती है। यही कारण है कि आज के समय में भरतपुर जिला में कई तेल के कारखाने मौजूद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरतपुर जिला में लगभग 554 तेल के कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 2317 लोग काम करते हैं। अगर भरतपुर के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा पता चलता है कि शहर की स्थापना सन 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने की थी। महाराजा सूरजमल ने इस शहर को बसाने के लिए मेवाड़ के कुछ हिस्सों को लेकर किया था और इसका नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर रखा था। आज के समय में भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। बाण नदी, रूपरेल नदी, गंभीर नदी भरतपुर जिला की मुख्य नदी है। इन तमाम नदियों के किनारे पर बसा भरतपुर जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 178 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 55 किलोमीटर, मथुरा से 34 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, भरतपुर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें दौसा जिला, अलवर जिला, धौलपुर जिला, उत्तर प्रदेश का मथुरा व आगरा जिला तथा हरियाणा का गुड़गांव जिला से घिरा हुआ है। दोस्तों, भरतपुर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर घूमकर आनंद उठाया जा सकता है। तो आइए बताते हैं कि वो कौन से खास घूमने के स्थान है जो कि भरतपुर जिला में मौजूद है। नंबर एक, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। घने वृक्ष, तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। इसे सन 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा सन 1985 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में आते हैं, घोंसला बनाकर उसमें प्रजनन करते हैं तथा गर्मियों के शुरुआत होते ही वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियाँ इस वन जीव अभयारण्य में रहते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में इस छोटे से जलाशय के रूप में निर्मित हुआ था। यह स्थान आज के समय में भारत में ऐसे तमाम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय सारस, जल मुर्गी, साइब्रो क्रेन, हिरण आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां यहां पर हर वर्ष आपको देखने को मिलती है। घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, गंगा मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1845 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था। मंदिर के निर्माण प्रक्रिया इतनी अंगूठी थी कि राज्य के सभी कर्मचारी और अन्य स्मृति निशानियों के जो लोग हैं वो मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए कहा गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करीब दशक का समय लगा था। एक बार मंदिर पूरा हो जाने के बाद बलवंत सिंह के पांचवे वंशज ब्रजेश सिंह ने मंदिर में देवी गंगा की एक मूर्ति स्थापित की। इसी वजह से इस मंदिर को गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के खंभों व दीवारों पर कई शानदार नक्काशी आपको देखने को मिल जाएंगी। गंगा मंदिर भरतपुर जिले के मुख्य धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर तीन, भरतपुर संग्रहालय। लोहागढ़ पैलेस में स्थित भरतपुर सरकारी संग्रहालय का उद्घाटन 11 नवंबर 1944 को हुआ था। यह स्थान भरतपुर मुख्य बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरतपुर संग्रहालय में 19वीं शताब्दी के 120 टेराकोटा, 670 सिक्के तथा 196 लघु चित्र, 10 शिलालेख तथा 581 पत्थर की मूर्तियां आदि आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भरतपुर संग्रहालय में आपको प्राचीन वास्तुकला के एक से एक नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। भरतपुर संग्रहालय भरतपुर जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर चार, लोहे का किला। लोहे का किला, जिसे लोहागढ़ किला के नाम से जाना जाता है, अपने नाम से विख्यात यह किला अपने मजबूती के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पर अंग्रेजों ने कई कब्जा किए, लेकिन सारे हमले यह सहता गया। लेकिन 1805 में लॉर्ड लेक ने इस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया। यह किला चारों तरफ से दीवार की खाई से घिरा हुआ है, जिसमें उस समय पानी छोड़कर किले की सुरक्षा की जाती थी। किले के अंदर कुछ दिलचस्प इमारतें हैं, जिसमें मोती महल, जवाहर बुर्ज,
कोठी खास आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा भरतपुर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। आवागमन के दृष्टिकोण से भरतपुर जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सड़क मार्ग। भरतपुर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 11 गुजरती है जो कि भरतपुर को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। इसके अलावा भरतपुर जिला में और भी कई छोटे बड़े सड़क बाईपास मौजूद है जिसके माध्यम से यहां के वासी उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। इसके अलावा भरतपुर बस स्टैंड के माध्यम से अलवर, आगरा, मथुरा, जयपुर आदि शहरों के लिए नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर दो, रेल मार्ग। भरतपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भरतपुर रेलवे जंक्शन है जिसका स्टेशन कोड BTE है और भरतपुर जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यह जंक्शन न्यू दिल्ली मुंबई लाइन, आगरा फोर्ट, बंदीकुई जयपुर लाइन पर स्थित है और वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भरतपुर जंक्शन के माध्यम से अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस, मरुधार एक्सप्रेस, प्रताप एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। वैसे तो भरतपुर जिला में हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां के सबसे निकट में स्थित जो बड़ा एयरपोर्ट है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि यहां से 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर शिक्षा की बात करें तो भरतपुर जिला की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ की साक्षरता दर 80% है, यानी कि भरतपुर जिला के 80% लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। भरतपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम आर्या विद्यापीठ PG कॉलेज, महाराजा अग्रसेन PG कॉलेज, श्री बांके बिहारी महाविद्यालय, BR महिला विद्यालय, ये सभी स्कूल व कॉलेज भरतपुर जिला में मौजूद है जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। जाति धर्म के आधार पर भरतपुर जिला में 84% हिंदू तथा 15% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भरतपुर जिला की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ पर सरसों की खेती काफी भारी मात्रा में की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सरसों के जो तेल के जो मिल होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर लगभग 534 तेल के जो कारखाने हैं वो सरकारी आंकड़े के अनुसार यहाँ पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा भरतपुर जिला में डेयरी मिल्क के कारखाने, लोहे के कारखाने, बर्तन बनाने के कारखाने, अल्मोनियम के कारखाने तथा कई छोटे बड़े उद्योग मौजूद है जो कि यहाँ के लोगों को एक रोजगार मुहैया प्रदान कराता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित भरतपुर जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।